साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने 10 कदम सीरीज में ज्योग्राफी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। साथियों ये इंडियन ज्योग्राफी स्पेशल क्लास है, इंडियन ज्योग्राफी के ही क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी के बहुत से क्वेश्चन का कलेक्शन हमारे 10 कदम सीरीज में है, आप पहले बड़ा विजिट करिए, प्ले लिस्ट में उसको देख सकते हैं। साथियों हमारे क्वेश्चन वही रहते हैं जो आपके वनडे एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे स्टैटिक जीके हो, चाहे आपका ऐसे ज्योग्राफी या हिस्ट्री या पॉलिटिक्स से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो। साथियों आइए देखते हैं आज के 10 कदम सीरीज के अंतर्गत भूगोल के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? तो ये सब प्रवाल से बने हैं, प्रवाल उद्गम के हैं। क्या है? प्रवाल से बने द्वीप हैं, प्रवाल से बने द्वीप हैं, ये विशेषता है कि जो अरब सागर में थे। चाहे आपका लक्षद्वीप ले लीजिए, प्रवाल से बना द्वीप है आपका। तो ये अरब सागर क्या विशेषता है? अरब सागर जो है बहुत बड़ा सागर है। अरब सागर का एरिया लगभग है आपका 68 लाख 62 हजार वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। 2400 किलोमीटर की चौड़ाई है, अधिकतम चौड़ाई है, लगभग 4700 मीटर इसकी गहराई है। तो एक विशाल अरब सागर जो है एक विशाल का है। तो यहाँ पे आपके मुंबई है, कोच्चि आपका है, कराची वगैरह इसमें स्थित है। तो ये मुख्य विशेषता है कि प्रवाल से बने द्वीप हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित? आदम मतलब बहुत, आदम काल नहीं कहते हैं, बहुत पुराना पुल। आदम काल, आदम का पुल का मतलब आदम काल से बना हुआ, बहुत पुराना, आदमानो जैसे कहते थे ना। तो ये कहाँ है बना हुआ? सुना है आपने कभी इसको? बिल्कुल सुना होगा, तमिलनाडु पम्बन द्वीप पे है बना हुआ। ये जो है ये आदम का पुल भारत और श्रीलंका के मध्य, भारत व श्रीलंका के मध्य। कहते हैं कि भगवान राम की सेना माता सीता की पता लगाने के लिए या श्रीलंका विजय प्राप्त करने के लिए इसी पुल का इस्तेमाल करी थी। ये लगभग 50 किलोमीटर, इसकी लंबाई कितनी? 50। उत्तर पश्चिम श्रीलंका से भारत के दक्षिण पूर्वी तट को ये जोड़ता हुआ है। तो लगभग 7000 साल पुराना माना जाता है, 7000 साल पुराना। मानव का इतिहास क्या, मानव 100 साल ज्यादा जानते नहीं अपनी पीढ़ी में। तो 7000 साल पुराना ये पुल है, आदम का पुल, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। और कहते हैं कि यह मलक्का और पाक जल दमरू मध्य को अलग करता है। मलक्का व पाक जल दमरू मध्य को अलग करता है। ये उथला है, ये उथले पानी में बना हुआ है, 3 फीट से लेके 30 फीट तक आसपास का पानी, ज्यादा गहरा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि आओ जनजात किस राज्य से संबंधित है? तो आओ जनजात जो है आपकी किससे संबंधित है? असम से संबंधित है। ईसाई मत के लोग हैं, पहले जो गरीब हुआ करते थे उन्होंने अंग्रेजों के प्रभाव में आकर के ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो उसी पुराने जनजात आओ जनजात उसी से संबंधित है, ईसाई मत के लोग हैं, मत के लोग इंपॉर्टेंट है आओ जनजात। उप नागालैंड जनजात पे कहते हैं, नागालैंड में भी निवास करते हैं। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से गुजरता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चौथा, कोंकड़ किससे गुजरता है? ये मुंबई से
मंगलौर को जोड़ता है। मंगलौर ये पश्चिमी घाट श्रृंखला से गुजरता है, सह्याद्री जिसको कहते हैं आप पश्चिम, लगभग कितना 760 किलोमीटर लंबा है, 760 किलोमीटर लंबा कोंकण रेल मार्ग। फिर है टिहरी बांध, किन नदियों के संगम पे स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध भारत का, टिहरी बांध नदियों के संगम किस नदी संगम है, तो ये भागीरथी और भीलांगना नदी के तट पर है, भागीरथी और भीलांगना नदी, भीलांगना नदी। कितना ऊंचाई लगभग है इसकी, 260.5 मीटर ऊंचा, 855 लगभग फीट। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन थे जो भारत में क्रांति लाए इस्पात के लौह अयस्क के रूप में, और द्वितीय योजना काल में लगाए गए 1955 में लगाए गए थे। कब लगाए गए, 1955 में। कौन कौन प्लांट थे आपके, एक तो आपका था भिलाई इस्पात कारखाना 1955, ये कहाँ था, छत्तीसगढ़ में इस समय। दूसरा दुर्गापुर था, दुर्गापुर कहाँ है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। तीसरा था राउरकेला, ये कहाँ है, ये आपका उड़ीसा में। तीन राज्यों में स्थित तीन कारखाने थे जिन्होंने लौह अयस्क में भारत के औद्योगिक विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, नासिक और मुंबई को जोड़ने वाला दर्रा कौन है, थालघाट दर्रा। कौन सा दर्रा है, थालघाट दर्रा, इंपॉर्टेंट दर्रा है, नासिक और मुंबई को जोड़ता है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। भारत का प्रमुख ज्वारीय बंदरगाह का कौन सा है, एक कांडला गुजरात, कांडला ज्वारीय बंदरगाह है, कहाँ, गुजरात में स्थित। पहले कोचीन था, तो पाकिस्तान जब अलग हुआ है, तो उसके बाद इसका उद्घाटन हुआ था, तो ये ज्वारी बंदरगाह बहुत बड़ा बंदरगाह है, ज्वारी बंदरगाह जहाँ ज्वार सबसे ज्यादा आते हैं, तो इसलिए इसको ज्वारी बंदर कहते हैं, बंदरगाह कांडला। और सबसे ज्यादा जो सामान का आदान प्रदान होता है गुड्स का, यहाँ से होता है कांडला बंदरगाह से। और ये 1931 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया था 1931 में। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा, तो ये है आपका चेन्नई कांचीपुरम। अलीगनर में स्थित है, अलीगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क है, जूलॉजिकल गार्डन है। तो ये लगभग जो है आपका कितना बहुत बड़ा, 1300 एकड़ में फैला है, 1300 एकड़ में फैला, बहुत बड़ा चिड़ियाघर है। फिर है सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है, सेतु समुद्रम भी वही बम्बन द्वीप से संबंधित है, वो एक तो आपने आदम पढ़ा, आदम का पुल जो बहुत पुराना था, सेतु समुद्रम इसी पुल का जीर्णोद्वार किया गया, समझ लीजिए नई तरीके से सेतु समुद्रम योजना लागू की गई है, समुद्र पे पुल बनाने की। ये क्या करता था, आदम का पुल इसको अलग करता था मलक्का और पाक जलडमरू को, ये क्या करता, जोड़ता है, किससे जोड़ते हैं, मलक्का
ये मलक्का नहीं, ये मन्नार है, ये मन्नार की खाड़ी है, सॉरी मन्नार की खाड़ी, मलक्का वहां कहाँ है, तो ये मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, खाड़ी वह पाक जलडमरू मध्य को जोड़ती है, पाक जलडमरू मध्य को जोड़ती है। ये रिटर्न मिस्टेक थे, इसको सही कर लीजिए। ये था, ये आपका मन्नार की खाड़ी वह पाक जलडमरू मध्य को अलग करता है आदम का पुल, श्रीलंका भारत के बीच में जो है वही शेर समुद्रम परियोजना क्या है, मन्नार खाड़ी पाक जलमंडल को जोड़ने के लिए परियोजना है, ये नया पुल का निर्माण किया जा रहा है, किया गया है, उसी को शेर समुद्रम परियोजना कहा गया है। तो साथियों ये हमारे रहे 10 आज के बहुत ही ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको आप रिवाइज कर लीजिए, ये हर तरीके से एग्जाम के लिए, वन डे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इनका रिवीजन करते रहिए। आप हमारे सीरीज में जाइए, 10 कदम सीरीज में 950 क्वेश्चन का कलेक्शन हो चुका है, लगभग 1000 क्वेश्चन का कलेक्शन होने वाला है, आप इसको रिवाइज कर लीजिए। सीरीज एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छी है, कोई भी शायद ही कोई क्वेश्चन हो, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। एक बार आप जाइए कैलिबर अड्डा में, अपने कैलिबर को जरूर इन्हेंस करिए। इसके अलावा साथियों हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज चलती है डेली मॉर्निंग में, आप उसको देखते रहिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए, कोई भी करंट का क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, हम वही क्वेश्चन लेके आते हैं जो है छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो साथियों ये हमारी ज्योग्राफी है, 10 कदम सीरीज में आपका ज्योग्राफी क्वेश्चन मिलेंगे, पॉलिटिक मिलेंगे और हिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा हमारे चैनल में साथियों सीटेट है, टेट है, सुपर टेट की भी तैयारी कराई जाती है, स्पेशली उसके लिए जो साइंस के क्वेश्चन, साइंस की सीरीज चल रही है, बायो अभी ले रहे हैं, शिखा मैम पढ़ा रही हैं, और हिंदी की जनरल हिंदी क्लासेस सुधा मैम पढ़ाती हैं, और साइकोलॉजी क्लासेस भी वही लेती हैं। इसके अलावा प्रियंका श्रीवास्तव मैम भी केमिस्ट्री पढ़ाती हैं एकेडमिक में, तो आप देख लीजिए किसी तरीके से, कोई भी अगर आपको चाहिए हो किसी भी टॉपिक की वीडियो तो आप जरूर कमेंट करें, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। कोशिश हमारी है कि आपके लक्ष्य के प्राप्त में थोड़ा सा थोड़ा बहुत सहयोग हम लोगों कैलिबर अड्डा से भी आपको अवश्य प्राप्त हो, तो कैलिबर अड्डा को आप विजिट करिए, ये दावा है आपका, कैलिबर अवश्य इनहेंस होगा साथियों, निश्चित रूप से इनहेंस होगा, और आप हमारे साथ बने रहिए, कैलिबर अड्डा को विजिट करिए, वीडियो देखिए, हर टॉपिक से रिलेटेड, चाहे गवर्नमेंट पॉलिसी से हो, चाहे ट्रिक्स का हो, हिंदी इंग्लिश मैथ सब कुछ है, आप एक बार फिजिक्स विजिट करिए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज शेयर करिए, लाइक करिए, और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको तुरंत जैसे वीडियो बने आपका तुरंत आपको उसका त्वरित लाभ प्राप्त हो जाए। साथियों बने रहिए हमारे साथ, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लक्ष्य की प्राप्ति कीजिए, यही हमारी शुभकामनाएं। जय हिंद साथियों।